पहले पूरा फंस गए थे मंदिर के अंदर जाके, क्योंकि मंदिर के अंदर ना कैमरा और मोबाइल अलाउ टोटल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पूरा कैमरा लेके ही अंदर चल गया, मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ पे मुझे रखना है। और सो गाइस फाइनली हम अभी पहुँच गए हैं पूरी श्री जगन्नाथ धाम, और अभी जा रहे हैं फिलहाल दर्शन करने के लिए मंदिर। और हमने कार को पार्क यहाँ पे लगा दिया है और पार्किंग चार्ज भी हम दे दिया है। सो अभी जा रहा हूँ मैं फाइनली मंदिर दर्शन करने के लिए। सो मंदिर के अंदर तो कैमरा और फोन कुछ भी अलाउ नहीं है। सो मंदिर के अंदर का मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अभी जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मैं अपना कैमरा को जाके वहाँ पे रखना पड़ेगा काउंटर में पैसा दे के। भाई लोग मेरा भाई लोग आ रहे थे, वो आ रहे हैं। देखो सामने में मंदिर है, लेकिन यहाँ पे देखो मंदिर के सामने में कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये डेली का क्राउड है, ऐसा नहीं कि आज नया है, ये डेली का क्राउड इसी तरह का होता है। तो अभी हमको यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल आगे जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे मंदिर के अंदर दर्शन कर पाएंगे। पीछे ही रख देता है कार सबको, रोक देता है, आगे तक नहीं जाने देता है कार सबको। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के सामने में, और मैं सोच रहा हूं, मैं मानता हूं कि आज मैं बहुत ही भाग्यशाली खुद को मैं आज मान रहा हूं कि मुझे भगवान श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन आज करने वाला हूं। मैं बहुत कोशिश करने के बाद आज वो दिन सफल होने वाला है। ऑलरेडी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए थे भीड़ के वजह से। जब हम आए थे ये रथ यात्रा में जब आते थे ना, तो मैं दर्शन ही नहीं कर पाता था, लेकिन फाइनली आज हम दर्शन करेंगे। और देखिए नॉर्मल दिन में भी देखिए इसका भीड़ कितना है। सो चलिए मैं दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा, क्योंकि कैमरा तो अलाउ नहीं करेगा अंदर, इसको कहीं इधर ही रखना पड़ेगा मुझे, देखते हैं कहाँ पर रखना पड़ेगा। इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमा के उसके बाद ज़्यादा रास्ता बनाता है, क्योंकि भीड़ की वजह से ना इसको लाइन कर दिया है ताकि भीड़ कम हो जाए। एक ही बार सीधा जाने के बाद, अगर एक ही बार सीधा जाएंगे ना तो मंदिर तुरंत ही पहुँच जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा राउंड करने के बाद भीड़ को थोड़ा माइनस हो जाता है, इसीलिए जो स्क्वायर बना दिया है। चलो 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 चलो, मेरा भाई आगे चल गया, मैं देखा भी नहीं हूँ किधर से किधर क्या करूँगा। देखो वो एंट्री हो रहा है वहाँ से, और वो इधर से घूम के आएंगे, फिर यहाँ से जाके निकलेगा सीधा। गाइस फाइनली आ गया हूँ दर्शन करके, और यार जो भी बोले पूरा फंस गए थे मंदिर के अंदर जाके, क्योंकि मंदिर के अंदर ना कैमरा और मोबाइल अलाउ टोटल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पूरा कैमरा लेके ही अंदर चल गया, मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ पे मुझे रखना है। और हम सीधा चलते गए, उसके बाद पूरा हम जाके लाइन में जो देख रहे थे लाइन में, हम लाइन में पूरा चल गए। सिक्योरिटी गार्ड जब चेक करने लगा, वो फिर मेरे को बोला कैमरा अलाउ नहीं अंदर। फिर हम बोले अब क्या करें, मेरा एक आदमी है वो आगे चल गया, सो मुझे जाना ही पड़ेगा जैसे भी करके। उसके बाद बोला कोई बात नहीं, पकड़ा मत जाना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, आप जा भी नहीं पाओगे घर। मतलब इस तरह का कुछ सिचुएशन हो गया था अंदर जाके, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, भगवान का सहारा था मेरे ऊपर, जो कि हम अच्छा से दर्शन करके और पूरा देख भी लिए भगवान को, और फिर आ गया हूँ दर्शन करके। जो भी बोलो ना पूरा छाती कितना ज़्यादा भगभग करने लगा था यार, क्योंकि हम अंदर चल गए थे कैमरा को लेके, और कैमरा अलाउ भी नहीं है, मोबाइल छोटा सा मोबाइल भी अलाउ नहीं अंदर में, हम पूरा कैमरा को ही लेके चल गए थे अंदर। सोच सकते हैं कितना बड़ा ये हो गया था मेरे ऊपर। चलिए थोड़ा सा प्रसाद लेके जाएंगे ना, ये सब में से देख रहे हैं कौन सा लेंगे। और बहुत सारा हमने ले लिया प्रसाद, और भी कुछ लेना है हमें, देखते हैं कहाँ पे लेते हैं। सो देखो ये हम लोग प्रसाद ले लिए हैं कुछ इतना सारा घर ले जाने के लिए, और अभी चलते हैं फिर बीच जाएंगे अभी समुद्र के किनारे। तो आ गया हूँ फाइनली गाड़ी के पास, और अब यहाँ से निकलते हैं फिर बीच, और वहाँ पे जाके अब श्री का जन्मदिन मनाएंगे। सो इस वीडियो तो को यहीं तक रखता हूँ, आई होप कि आपको पसंद आया होगा श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन। सब लोग देखो सोया हुआ है कहीं जल्दी जाना।